एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली कॉन्सेप्ट। एस्पिरेंट्स, हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत को थॉरली कवर कर रहे हैं कीवर्ड्स और समरी के थ्रू। हमने कंपेनरी रूल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमने स्टार्ट किया था क्राउन रूल, जिसमें मैंने सारे काउंसिल एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। अगर आपको वो सब कॉन्सेप्ट को जानना है, समरी जाननी है, तो आप जा करके पहले के वीडियोज़ देख सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स और जुड़ रहे हैं, मैं आपको एश्योर करूंगी कि आप अगर आज से भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आज से भी आपको 90% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। मैं पुराना भी रिवाइज कराते आपको जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके बारे में मैंने ब्रीफिंग आपको कल दे दी थी। आज देखते हैं इसको थॉरली कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या समरी है और कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। पहली चीज़ कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, या इस एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। मॉन्टेग्यू द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड उस समय के वॉइसरॉय हुआ करते थे, इसलिए इसको इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। सेंटर को रिलैक्सेशन मिल गया। किस तरीके से रिलैक्सेशन मिल गया भाई? अब जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है उसमें सब्जेक्ट्स का डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन किस तरीके से? सेंट्रल और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स उनको भी दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट ट्रांसफर्ड, दूसरा पार्ट रिजर्व्ड। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो होंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, एंड उनको रिस्पॉन्सिबल होना था लेजिस्लेचर को। जिस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आर्टिकल 74 क्या कहता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सिमिलर कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से आया? अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। पहली चीज़, ट्रांसफर सब्जेक्ट हमें देख लिया कि गवर्नर इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से, और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। रिजर्व सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट जिसको सिर्फ गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे काउंसिल ऑफ या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इनकी लेजिस्लेचर की तरफ। समझ में आ गया आपको ये दो कॉन्सेप्ट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस चालू हो गई। ऑब्वियसली जब आपने सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर दिया तो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। एक ऐसी गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल लेवल पे अपने लेजिस्लेचर कर रही है, ठीक है, एक जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम ऑफ डायरकी कहाँ से आया? सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट कहाँ से आया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये आपको याद रखना है। अब पहली बार बायकैमरलिज्म का शुरुआत हुआ और डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो याद आ रहा होगा आपको कुछ कुछ की बजट पे चर्चा है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, रिमेंबर? आई होप आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो फटाफट से जाके रिवीजन कर लीजिए, है ना। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म आया और साथ में डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। तीन में से छः मेंबर्स जो होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, अब इंडियन होने लगे, ठीक है। याद रखिएगा, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब तीन मेंबर्स जो है वो इंडियन होने थे, और साथ ही साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन PSC की स्थापना हुई एस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में। याद रहेगा आपको 1919 में ही एक्ट में प्रावधान किया गया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होगी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और वो सेटअप हुआ 1926 में, ठीक है। अब किसी भी फ्रेंचाइज को ये लिमिट कर दिया गया था कि उनको लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी और एजुकेशन, ठीक है। किसी भी फ्रेंचाइज को लिमिट कर दिया गया कि उनके पास जो नंबर ऑफ पीपल होंगे वो लिमिटेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी और एजुकेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसकी नींव कहाँ से रखी गई थी? जैसे कि आपको पता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट या फादर ऑफ कम्युनलिज्म किसको कहा जाता था? तो लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो,
रिफॉर्म्स हमने देखा था उसमें मुस्लिम इलेक्टोरेट को सेपरेट किया गया था। अब ये मुस्लिम इलेक्टोरेट को सेपरेशन की जो टेंडेंसी है उसको और एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब अब और ज़्यादा कम्युनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट बनाए गए। अब सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियंस के लिए अलग से इलेक्टोरेट बनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। और प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। याद रखना जितना भी डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है मैक्सिमम आपको 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मिल जाएगा। पहली चीज़ क्या बोला कि सेंट्रल को रिलैक्सेशन मिल गया, सब्जेक्ट्स को बांट दिए प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट्स में। दूसरी चीज़ क्या, प्रोविंशियल्स के सब्जेक्ट्स को भी बांट दिए ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। उसके बाद क्या कहा गया कि भाई सेंट्रल और प्रोविंसेस इनके बजट्स को भी अलग कर दिया गया, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलता है हमको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब इनको बोलना जाना था इंडियन लेजिस्लेचर, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब बोला जाना था इंडियन लेजिस्लेचर, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम कि क्या क्या हुआ था इस समय में। पहली चीज़, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, आप सबने सुना था ये 1927 में, उसका आउटकम था ये, ठीक है। और उस समय रॉलेट एक्ट चल रहा था। रॉलेट एक्ट मतलब विदाउट एनी ट्रायल आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। ये स्लोगन आपने सुना होगा, ना अपील, ना वकील, ना दलील, फिर भी गिरफ्तारी हुआ करती थी, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी ये कह सकते हैं कि इस समय ये एक्ट लाया गया थोड़ा लोगों को रिलैक्सेशन देने के लिए। और फाइन ये इंटेंडेड था, ये एक स्टेप है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें कहा है कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे वो जब एडमिनिस्टर किए जाएंगे तो जो एग्जीक्यूटिव है या मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, भाई लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी शुरू होता है। वॉइस रॉय ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी कंट्रोल था वो अपने हाथ में रखा था, और मोस्टली इलेक्टेड बाई कैमरल लेजिस्लेटर ये एडवाइजरी हो गया, ठीक है। इलेक्टेड इन द सेंस, जैसे कि हम जानते हैं कि हम में से कुछ लोग चुन करके जाते हैं जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसी तरीके से वहाँ पे भी रिटेन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट पे कंट्रोल किसका, वाइसरॉय का, ठीक है। मेजॉरिटी किसकी थी, जो मोस्टली इलेक्टेड थे उनकी थी। अब सब्जेक्ट्स का डिवीजन सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, मतलब इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट खुद रख लिए सेंट्रल लेवल पे, बाकी जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है वो सब्जेक्ट्स ही प्रोविंसेस को दिए गए। तो एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो भी है वो अभी भी सेंटर के पास में थे। तो ये हो जाता है इसका इम्पॉर्टेंस। गाइस आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि हमको आज ही इस टॉपिक को एंड करना है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70% जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, जिस एक्ट से लिया गया है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। सेकंड माइलस्टोन है टुवर्ड्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डायर की देख लिया था हमने, ठीक है। कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ सेकेंड स्टेप। पहला, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना। ऑल इंडिया फेडरेशन जिसमें प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। इस एक्ट ने क्या कर दिया, पावर का डिवीजन। किस तरीके से, तीन लिस्ट बना करके। पहली लिस्ट फेडरल लिस्ट, जिसमें कानून प्रोविंस और सेंटर दोनों बना सकते थे। दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। अब डायरकी ख़त्म हो गई प्रोविंसेस में और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, ठीक है। डायरकी जो प्रोविंसेस में थी उसको ख़त्म कर दी गई, है ना, और उसको ऑटोनॉमी दे दी गई। और इसी तरीके से डायरकी अब कहाँ पर आ गई, सेंट्रल लेवल में। फेडरल सब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। आपको समझ में आ रहा है इसका कॉन्सेप्ट,
पहली चीज़ हम कह रहे थे ना कि प्रोविंसेस के सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया, तो अब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी कि आप सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से देख लो कि आपको उस पर कौन सा लेजिस्लेट करना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है। लेकिन सेंट्रल लेवल पे अब क्या हो गया, अब यहाँ पे ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट्स आ गए। इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पे जो डायर की है वो प्रोविंस से हट के सेंटर पे आ गई। ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन से एक्ट में सेंटर में डायर की लाई गई थी, तो याद रखना है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप एमसीक्यू जाके सॉल्व करेंगे तुरंत, आपसे मैक्सिमम 90% एमसीक्यूज़ ये थ्योरी पढ़ने के बाद बनने चाहिए। अब बाइकैमरलिज्म लाया गया, ठीक है, जिसमें 11 में से 6 प्रोविंसेस, ठीक है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट अब बनाया गया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वुमेंस के लिए और लेबर के लिए। अभी तक किन के लिए था, सबसे पहले मॉडल विंटर रिफॉर्म मुस्लिम्स के लिए लाया गया, फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू ट्रांसफर, उसमें क्रिश्चियन, सिख्स और बाकी अदर्स के लिए लाया गया। साथ में यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस का इंट्रोडक्शन मिलता है, वुमन का इंट्रोडक्शन मिलता है, लेबर्स का इंट्रोडक्शन मिलता है। इनके सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया। साथ ही आरबीआई की स्थापना, याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट से रिलेटेड आपको बोलेंगे, तो बोलेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो था ही, उसके साथ में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तीन टाइप के पब्लिक सर्विस कमीशन आपको याद रखने, फेडरल, प्रोविंशियल प्लस जॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई 1937 में, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फेडरल कोर्ट एट सेंट्रल लेवल 1937, याद रहेगा आपको आई होप ये, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका इवोल्यूशन करते हैं कि क्या है, कोई प्रियम्बल नहीं था, मतलब एम्बिग्यूटी थी, ठीक है, एम्बिग्यूटी मतलब चीज़ों का रिपीटेशन, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूस होना मतलब रिपीटेशन होना या कुछ ना कुछ फैक्ट का हेर फेर होना, ठीक है। ब्रिटिश इसको डोमिनियन स्टेटस ही दे रहे थे हमारे इंडिया को, ठीक है। कोई बिल ऑफ राइट्स मतलब कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे, कोई भी बिल ऑफ राइट्स मीन्स नो राइट्स, बिल ऑफ राइट्स नहीं था मतलब कोई भी राइट्स गिवन नहीं था। बहुत सारे सेफ गार्ड्स बनाए गए थे, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी गवर्नर जनरल को, ठीक है। और इसके कारण से जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाती थी, ठीक है। प्रोविंसेस में गवर्नर को अभी भी एक्सटेंसिव पावर मिले थे, ठीक है, बहुत सारे एक्सटेंसिव पावर्स मिले हुए थे। और ये एक्ट एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा था, ठीक है, जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी इंटरनल ग्रोथ की। ये एक्ट बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा था, क्योंकि मैंने बताया अभी भी सेंट्रलाइज जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ये रिजिड बता रहा था, क्योंकि हमारा जो इंडिया था उस समय इस सिचुएशन में नहीं था कि वो एकदम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर पाए, है ना। तो उस तरीके से ये बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा था, और बहुत सारे राइट ऑफ अमेंडमेंट सिर्फ किसके पास थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी। तो देखते हैं इसका कॉज क्या हुआ। रिकमेंडेशन, इसकी रिकमेंडेशन भी बनाया गया था साइमन कमीशन की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था या सत्याग्रह था, वो लॉन्च किया गया इसके बाद 1930 में गांधी जी के द्वारा, और थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32, ठीक है, जिसमें गांधी जी का पार्टिसिपेशन था, अम्बेडकर जी का पार्टिसिपेशन था, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे। अब इस तरीके से बहुत सारे एक्ट आए, जिससे क्या हुआ कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। ये सब इसके प्रावधान है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे। चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फाइनल फाइनल एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसका कॉज क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ था 1945 में,
ब्रिटिश का इंडलजेंस ये था कि जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। इंडियन नेशनल अलायंस जो रोल था आउटसाइड इंडिया, उनका रोल इम्पॉर्टेंट था इंडिया में भी एज वेल आउटसाइड इंडिया में भी। क्रिप्स का प्रपोजल था 1942 में, जिसको हम कहते हैं आउटडेटेड चेक, ठीक है, दिवालिया बैंक का चेक। ये सब हमारे महान नेताओं के स्टेटमेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि भाई ये आउटडेटेड चेक है, दिवालिया बैंक का चेक है। जैसे जैसे कि आउटडेटेड चेक कोई काम का नहीं होता है। क्रिप्स मिशन भी आया था, उसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना होगी, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम बनाएंगे। तो ये मतलब एग्जैक्ट सिचुएशन में जिस जिस चीज़ की नीड थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्रिप्स मिशन के जाने के बाद। अब उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और कैबिनेट मिशन के तहत ही फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई थी और हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। और उसी के बाद आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कैबिनेट मिशन का प्लान था 1946, आपको अगर नेम याद रखें तो कर सकते हैं, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड केप्स, ए बी अलेक्जेंडर, ये तीन मेंबर थे कैबिनेट मिशन के, ठीक है। और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। और आखिरी कॉज ये था कि जो रिवॉल्ट हुआ था इंडियन नेवी में और इंडियन आर्मी के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इसके कारण भी इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है। अब इसके प्रोविजन क्या थे देखते हैं। ब्रिटिश रूल को पूरी तरीके से इंडिया में ख़त्म कर दिया गया। इंडिया को एज इंडिपेंडेंट एंड सोवेरियन, सोवेरियन स्टेट उसको बोलते हैं जो किसी के अधीन नहीं होते हैं, उनको इतनी आज़ादी होती है कि वो कोई टेरिटरी को एक्वायर कर सके या कोई टेरिटरी सीड कर सके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। और साथ में दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनने थे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन हेड की तरह बिहेव कर रहा था। तो गवर्नर जनरल अभी के प्रेसिडेंट और गवर्नर्स तो गवर्नर्स ही रहे। अब जो अपॉइंटमेंट होना था सिविल सर्विसेज का रिजर्वेशन के हिसाब से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में से, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी पावर मिल गई थी कि दो डोमिनियन फ्रेम बनाए जाए, कि आप संविधान को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पेक्टिव नेशंस, इधर इंडिया और पाकिस्तान। और किसी भी एक्ट को रिपील कर सकते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट की, इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ, अगर चाहे तो आप रिपील कर सकते थे। क्राउन अब सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं रह गया था, डोमिनियन स्टेट अब हटा दिया गया था। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो गाइस, कीप स्टडिंग, कीप आस्किंग योर डाउट्स। और इसके बाद हम कल इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे घटना चक्र के, और उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। तो ये टॉपिक या ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपसे नहीं छूटेंगे। सो गाइस, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट।